हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका राज की दुनिया में। ओम साई राम। तो जी हाँ, 2 दिन का ब्रेक तो बनता था गाइस, तो मैंने कुछ व्लॉग नहीं किया। 2 दिन तो नहीं हुए, 1.5 डे हुआ है। तो बिकॉज राज वॉज ऑन हर ऑन स्पेशल डेज, तो रेस्ट तो बनता है। ये लड़कियों का जन्म सिद्ध अधिकार है, अपने स्पेशल डेज में उनको रेस्ट करना ही करना है। तो गुड, मैराकेश वॉज ऑसम ट्रिप। एंड बेस्ट पार्ट ये रहा कि एटलीस्ट वहाँ मैंने अच्छे से इंजॉय किया। बस यहाँ पहुँचते ठीक है, दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ, अभी क्या कर सकते हैं। तो मैंने एक पूरा दिन जमकर आराम किया। तो यस, बैक टू ट्रैक। कल की मस्ती में नहीं ब्लॉग कर पाई क्योंकि उतना मूड नहीं था। आई रियली हैड अ गाला टाइम लास्ट डे ऑल्सो, बट आई कुडंट व्लॉग। बट आज बैक टू ट्रैक, आप लोगों के लिए राज की दुनिया हाजिर है सीधे सीधे लंदन से। तो आज की दिनचर्या क्या है, चाय हो चुकी है और दीदी और मेरे कप तो हटते ही नहीं है, क्योंकि दीदी के साथ मेरी इस चीज़ की कंपनी बहुत अच्छी चलती है। वेदर वो यहाँ हो या इंडिया में हो, हम दोनों एक दूसरे को गर्म पानी पिलाते रहते हैं, कुछ कुछ ऐड कर कर। तो एज आई ऑलवेज टोल्ड यू गाइज, स्पेशली फॉर गर्ल्स जो मेरे मेरे व्लॉग्स देखते हैं, वेन एवर यू आर ऑन योर स्पेशल डेज, यू हैव योर पीरियड्स, आई मीन आप अगर आपको ये गर्म चीज़ें पानी सूट नहीं करते हैं, तो आप 2 दिन के लिए ब्रेक लीजिए, जैसे मैं भी लेती हूँ। हर चीज़ का ब्रेक इज़ ज़रूरी। तो महीने में आप 2 या 4 दिन का ब्रेक इन चीज़ों से ले सकते हैं। और अब तो इंडिया में तो बहुत ही गर्मी पड़ रही है, मनीष बता रहे हैं, तो थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए इन गर्म पानियों से। यहाँ पर वेदर इज़ लाइक प्लेजेंट, तो आई कैन अफोर्ड टू हैव, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर खूब मज़े से पी रहे हैं। और डाइट को फ्लक्चुएट मैंने नहीं होने दिया, बहुत ध्यान रखा है। लोगों ने मुझे भटकाने की बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की, बहुत चॉकलेट्स केक दिखाए, बहुत चॉकलेट आइसक्रीम्स दिखाई। इवन इन मैराकेश ऑल्सो मैंने वाफल्स नहीं खाए, जबकि दीदी ने हर रोज मुझे वो दस्ता दिखाया। तो वैसे भी गाइज मेरा स्वीट टूथ नहीं है, तो खाइए अपनी छुट्टी में, बट क्वांटिटी पे ध्यान रखिए। तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं हुआ है वेट, आई एम ग्लैड। थोड़ा सा यहाँ फेस पे लग रहा है, वो तो खुशी से आता ही है ना। तो आज की दिनचर्या हम रेडी हैं थोड़ी सी शॉपिंग को, और क्योंकि आज जीजू घर है तो दे कैन टेक अस। आप लोग सोच रहे होंगे कि वाई एम ऑन डिपेंडिंग ऑन सैम यार आज है, क्योंकि सीमा दीदी ड्राइव नहीं करती हैं, तो दीदी भी ड्राइव कर लेती है, बट जब घर के आदमी घर में दिख रहे होते हैं तो हम औरतें लेजी हो जाती हैं। तो इसीलिए अभी तक फिलहाल ऑन एंड ऑफ कोई ना कोई घर पर है और वो हमें ले जा रहा है। तो दीदी, जनता पूछ रही है आप कब ड्राइविंग स्किल्स दिखा रहे हो अपने। सून सून कैसी जनता कुछ पूछ नहीं रही है। तो गाइस, यूके में ड्राइविंग इज मस्ट, तो सबको आना बहुत ज़रूरी है। मुझे ऐसा आम आर राइट दीदी, इट्स लाइक वेरी इंपॉर्टेंट ना ड्राइविंग स्किल्स की। इम्पोर्टेंट नहीं, मतलब कि आपको हेल्प करता है। हेल्प करता है, मुझे लगता है बहुत ज़रूरी। तो फिलहाल ऑन एंड ऑफ, कभी DGI का ऑफ होता है, कभी सैम वर्क फ्रॉम होम होता है, हम किसी ना किसी को पटाई ले रहे हैं, दोनों में से मैनेज कर ही ले रहे हैं कि हमें वो ले जाएं। तो सैम के साथ शॉपिंग करना जाना, ओ गॉड, GI में बहुत पेशेंस है। तो वो सिर्फ अगर आपने उसको बोला हम मैटलन जा रहे हैं, तो मैटलन के बाद आप दूसरी दुकान पे नहीं जा सकते, ही इज़ लाइक दैट। पर GI तो बहुत पेशेंस है। फर्स्ट डे ही मैंने उनको, मतलब ऐसा नहीं मेरा पहला ही बार है, जब भी मैं आती हूँ GI का पेशेंस लेवल दिखता है। तो ही इज़ काइंड इनफ, बट सैम ही इज़ हेल्पिंग अस, बट स्टिल गुड बच्चा है। आजकल के बच्चे कहाँ जाते हैं, नहीं तो कबीर तो इतना भी ना जाए सच्ची में। तो बस अब हम रेडी हैं, GI हमको लेकर जा रहे हैं मटलन, और हमें एक दो काम और हैं, और आज पूरे दिन आपको मैं बनाए रखूँगी। मो फन बने रही है रेडी है। दीदी इतना शाय करती है, उनको लगता है तू कभी भी व्लॉग शुरू कर देती है। शी लिटरली टर्न ना, नो मेकअप, स्किन वैसे ही टच, गॉड ग्रेस, यहाँ बाल ग्लो कर रही है।
तो चलो जी ऐसे तब सब बात कराते हैं। जी हाय से हाय टू माय यूट्यूब जनता। ओह हाय देयर एवरीवन। हाय, तो जीजू का आज ऑफ डे है, तो आज मैं जीजू को हेल्प करने वाली हूँ ग्रास कटिंग के लिए, आई गेट टाइम। ठीक है जय, आई विल हेल्प यू। सो बहुत फन होने वाला है, जय के शिफ्ट टाइम रहते हैं एक्चुअली। आई विल नॉट टॉक मच अबाउट हिज वर्क, बट ही हैज अ शिफ्ट टाइम। ठीक है, दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ ना, काम तो करना ही है, राइट? ये सो माई डैशिंग जीज इज हियर टेकिंग अस टू मैटरलैंड, एंड ये पता नहीं कभी आएंगे। से हाय टू माय जनता। से हाय टू माय जनता। हेलो जनता, आपकी गाड़ी आप मिसिंग, आप लाएंगे अपनी गाड़ी? ये लेके आएंगे तभी ना जीज, सारी गाड़ी ले आओ, मंडे ले आऊंगा। ओके मैम, दीदी अपनी कार कहाँ छोड़ाएंगे पता नहीं। पार्क है, आई एम जस्ट किडिंग, जनता नोज मी, मैं पीछे पड़ूंगा। चलो बने रहिए, मिलता है। तो जय का गला है पंजाबी गाने, तो उनकी गड्डी में हमें ज्यादा ज्यादा पंजाबी गाने सुनने को मिलते हैं। तो और हल्ला गुल्ला मचाने वाली सिर्फ मैं ही हूँ इस घर में। तो ये होने ही वाला है, एंड उन्होंने आदत डाल ली है मेरे साथ। टिप्पणी करेंगे आप? बने रहिए। तो गाइस, आज मुझे गार्डनिंग करना था, बट जी आई ने गार्डनिंग कर दिया, ग्रास कट हो गया है। आई विल शो यू। जी आई ने देखो पूरा ग्रास कट कर दिया है, एंड लुक सो गुड। मैं रोज मॉर्निंग में यहाँ वॉक करती हूँ, बट मैं अपना फ़ोन लाना हमेशा भूल जाती हूँ। तो आप देखिए, ये सुबह तो कितनी बड़ी बड़ी ग्रास हो गई थी, आज देखो जी आई ने कितना अच्छा नीटली कट किया यार। दैट इज़ समथिंग, ये लोग खुद से सब काम करते हैं। ये देखिए कट कर ये थैले में डल गया। अब नेक्स्ट वीक मैं करूँगी, मुझे वो चलाना था ग्रास कटिंग का ना मशीन। गुड जॉब जी आई, यू हैव डन अ गुड जॉब, ग्रेट। और जब हमें वंशु कबीर और मैं मनीष आए थे, तब भी मेरी इन फ्लैट, मतलब जी आई खुद से फ्लैट लगाते हैं, तो मैं वो पिक्चर लगाऊँगी उस टाइम की। और अब फिर से नए फ्लैट लगे हैं, तो मैं वो मिक्स मैच कर उस पिक्चर को रिकॉल करना चाहूँगी। तो आई डू दैट, आई टेल सैम टू क्लिक द पिक्चर। तो फिर से फ्लैट्स लग गए हैं, और ये सब कुछ जी आई करते हैं, ही लव्स गार्डनिंग। तो कोई इनके पास हेल्पिंग हैंड नहीं आता है, ऐसा नहीं है कि दे कैन नॉट अफोर्ड, बट ही लव्स टू डू दैट, एंड इट्स अ हॉबी, इट्स अ हॉबी। एंड देखो जी आई खाना लेके आए हैं, प्लांट्स का, दैट्स सो स्वीट। अच्छा, पर आप तो मुझे दिखा रहे थे खाने का फूड। हाँ, जी आई को लाइट्स का बहुत शौक है, और आए दिन ही बाय न्यू लाइट्स, और खाना प्लांट्स का जी आई लाया, दैट्स सो स्वीट। सो दैट्स हिज हॉबी। और देखिए बहुत अच्छे फ्लावर्स लगाए हैं जी आई ने, और लवली टच वुड या दे आर ग्रोइंग। तो मेरा दीदी, यू रिमेम्बर लास्ट टाइम भी पिक्चर एंड फ्लावर्स के साथ, तो मैं क्लिक फिर से करने वाली हूँ और उसको रिक्रिएट करूँगी। ये दीदी इंडिया से लेकर आई थी, और दीदी का गजेबो बहुत पसंद आता है, यहाँ पर इसको गजेबो कहते हैं। आप बताइए हम इंडिया में इसे क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता, पता नहीं लिखा है, बट यहाँ गजेबो वर्ड यूज़ होता है। तो जी हाँ, ये दीदी लास्ट टाइम मैराकेश से लाई थी, और देखो इनकी हालत क्या हो गई, इसीलिए दीदी ने मुझे मना किया, डोंट बाय कि ये ख़राब हो जाते हैं। तो अब जी आई ने न्यू लाइट्स लाए, आज आप फिर से लगाऊंगा, कहाँ लगाना है? अच्छा, कल हम लेकर आए थे दीदी के साथ जब मैं गई थी, तो ये भी सोलर लाइट है, रात में बहुत अच्छी कर रही है ब्लिंक। मैंने इसका कैमरा, इसका वीडियो रिकॉर्ड किया, आई शो यू गाइज। और हमारे बुद्धा भी सोलर वाले हैं, रात में बहुत सुंदर दिखते हैं। गुड जॉब जी आई एम ग्लैड। आज ये रूम भी खुला हुआ है, कुछ करना वाला है? अभी टाइम ही नहीं मिल रहा है। I got you. हम टूट पड़े हैं खाने पे, हमने सोचा था हम खाना नहीं खाएंगे आज, बट ऐसा कैसे हो सकता है। तो यमी यमी, आज मेरा चिकन खाने का डे है, तो हम यमी यमी बटर चिकन खाने वाले हैं विद बॉयल राइस। तो चिकन बना था कल शाम में, और किसी ने नहीं खाया, सब बाहर के खाने में टूट रहे हैं यहाँ। तो कल हम लोग डिनर को बाहर गए थे, तो चिकन ऐसा कैसा ही पड़ा है। तो आप इस चिकन को देखकर, मैं नॉनवेज थोड़ा सा कम हो गया गाइस मेरा, आई डोंट नो, आई थिंक जल्दी मैं नॉनवेज क्विट करने वाली, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं नॉनवेज बहुत कम खा रही हूँ यहाँ आकर भी। मैराकेश में भी मैंने नहीं खाया, मेरे दिन भी बहुत गिने चुने होते हैं, आप लोगों को पता है। तो ये दीदी की स्वीट सी किचन है,
जहाँ डाइनिंग भी पड़ा है, फ्रिज भी पड़ा है। अभी क्लीन नहीं है मेरे किचन। अच्छा अभी क्लीन नहीं है गाइस, मैं तो बेहोश हो जाऊंगी अगर ये क्लीन नहीं है तो। पता नहीं क्लीन करने लगे। और हम इसको क्या कहते हैं दीदी, ये जो यहाँ पे बहुत ही अजीब सा नाम जो लेता, कंजर्वेटरी। ओके फिर से बोल दे मेरे ऑडियंस के लिए। कंजर्वेटरी है ये जो समाज में मजा आ जाता है यहाँ बैठने में। तो हमारी रोज सुबह की चाय यहाँ पे यहाँ आती है या गजेबो में बैठकर होती है। और जी आई तो समर्स में बाहर रहना बहुत ही लाइक करते हैं। तो देखिए कितना नीट है, पूरा बाहर का एरिया टेकिंग केयर बाय जीजा। एंड डेकोरेशन पार्ट डेफिनेटली इट्स गॉन टू माय सिस्टर, सब क्रेडिट मेरी बहन को जाता है। वो हम बहनों को ही शौक है अपने घर का इंटीरियर करने का। हस्बैंड टचवुड सपोर्टिव है, हर चीज़ को सपोर्ट करते हैं, तो वो बहुत ज़रूरी होता है। टचवुड। तो ये दीदी का है और टीवी आपको इनके हर कोने में दिखेगा। आई डोंट नो कहाँ बचे आप टीवी आपके घर में, बस बाथरूम में ना, जो जल्दी लगने वाला है। क्योंकि दीदी कहती है मुझे बबल बाथ लेना होता तो टीवी रहना चाहिए हमारे पास। तो जी हाँ सब कुछ बहुत ईजी है, बिजी है। एंड बस अब हम खाना गर्म कर रहे हैं और एंड लाडो इन द गार्डन। हाँ लाडो देख मासी ने मुझे बाबा दिए थे उन्होंने, मेरी सिस्टर को कुछ। आर यू आउट ऑफ योर माइंड पागल। तो मामा बहन ने सबको ब्लेसिंग्स दिए थे एक भगवान जी का वो देकर। तो जी हाँ तो लाडो देख ले, मासी ने भी यहाँ लगाया हुआ अच्छे से, ओम नमः शिवाय। तो क्योंकि थोड़े बड़े बड़े स्टैचू से ऐसी है। तो बस राइस बॉईल हो गए हैं, हम खाने वाले हैं चिकन एंड बॉयल। एक्चुअली हमने क्यों सोचा था हम नहीं खाएंगे, क्योंकि आज शाम को हम जाने वाले हैं। अभी सब बता दूंगी तो आप शाम तक देखोगे ब्लॉग पर, पूरा ब्लॉग देखोगे आप, तो बने रहिए। ये दीदी का सबसे बेस्ट एरिया मुझे लगता है इन समर्स। आई विल नहीं हाँ। तो ये यहाँ का सबसे बेस्ट एरिया है, एकदम कोजी रहता है। जब मैं विंटर में भी आई थी यहाँ पर, मेरा फर्स्ट विजिट था दिसंबर में मेरी बड़ी सिस्टर के साथ, बहुत ठंडी थी यहाँ पर, फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा ठीक लगता था बैठना। तो ये दीदी का सबसे बेस्ट एंड कोजी एरिया है, जहाँ मैं चाय भी पीना पसंद करती हूँ, जहाँ मैं दिस इज़ आफ्टरनून एंड आई एम लाइकिंग इट सिटिंग एंड चिलिंग एट ओवर हियर। एंड कोई तो आज हाइपर एक्टिव है। से हाय टू माय जनता अगेन। हेलो। तो दीदी कर रही है व्हाट? आई एम सिल्वी ऑफ लंदन। सिल्वी ऑफ लंदन, मॉडर्न सिल्वी। तो यू नो ये क्लेवर मूव करती हैं, ये खाने के बाद ही अपनी एक्सरसाइज करती है, इसीलिए इनकी इस उम्र तक में भी टमी नहीं है। दीदी इसकी एकदम फ्लैट टमी है, बिल्कुल भी दीदी की टमी नहीं है। तो उसका राज ये है गाइस, खाने के बाद आप हुआ करें, कोई चॉइस नहीं है, कोई चॉइस नहीं है। अच्छा दिस इज गुड दीदी, हम भी करते हैं इंडिया में, ऐसा नहीं है। अपने घर को साफ रखना गाइस कोई बुराई नहीं है, वेदर वो कोई और करे या अभी जैसे लाइक सेल्वी कभी नहीं आती, तो मैं जब आई डू क्लीनिंग तो मनीष कहते हैं एक दिन में कौन सा घर गंदा हो जाएगा, बट आई सेड नहीं, घर एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर आप रहते हो, इट शुड बी क्लीन एवरी डे। तो अपने घर के काम करने में गाइस कोई शर्म नहीं है, अगर आप अग्री हैं तो डू कॉमेंट। चलिए आप थोड़ी देर में हम रेडी होने वाले हैं, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इवनिंग, और बने रहिए उसके लिए। हम रेडी हो गए हैं, मैंने कहा था ना रैट्स आपको बना के रखेगी, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं बोलेंगे क्योंकि जी आई की शिफ्ट है, तो वो तो सो गए हैं। आज हमने इस कमरे में कब्जा किया हुआ है, तो हम जा रहे हैं गर्ल्स पार्टी को, बिकॉज इट्स फ्राइडे नाइट। और कोई तो तुसी नहीं आ रहे हो साडे नाल, तुसी सानू छड़ के ते आओगे? या गुड बेबी है, मासी की पूरी टेक केयर कर रहा है, मासी को शॉपिंग भी ले जा रहा है, मासी को ड्रॉप भी कर रहा है। तो ये देखो इसकी पड़ा पड़ा, सुन रहे हो आप पड़ा पड़ा, ये ब्लॉग में आएगा ना बना एडिट। हाँ
देख ले बस। तो जी हाँ, हम रेडी हैं गर्ल्स नाइट के लिए। आज दीदी की फ्रेंड्स के वो मिलने जा रहे हैं, जो मैं जब भी आती हूँ, आई थिंक एवरी टाइम आई मीट देम, राइट दीदी? तो यस, आई नो देम ऑलरेडी, सो यस, वी गोना मीट देम एंड इट्स अ गर्ल्स फ्राइडे नाइट। बने रहिए धमाल के लिए। हिम्मत रख, हिम्मत रख।